बाबा प्लीज अपने आप को संभालो, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। तो सिर्फ आपको अपना ख्याल रखना होगा, आपको अपने आप को संभालना है। देखिए अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें कौन संभालेगा? पूरे घर में मेहमान जमा हुए हैं, बहुत बेइज्जती हो रही मेरी, बहुत बेइज्जती हो रही। हाँ फिक्र ना करें, आगे क्या करना है मैंने सोच लिया। क्या क्या सोचा? मैं जुहेब और उसकी माँ को अपने एतमाद में लूंगी। अरे पर हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? तौसीफ अल्लाह पर भरोसा रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ भी बहुत कठिन वक्त है हम पर, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा। सूफी मैं रोशना को लेकर जा रही हूँ जुहेब के घर, तो बाबा का ख्याल रखो। अब रहने भी दें, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्यों, मेरा बेटा तो है ही चांद का टुकड़ा, लाखों में एक है। फरहुंदा आप यहां इस वक्त, सब खैरियत तो है? खैरियत ही नहीं है भाभी, आप लोगों से मुझे एक बात करनी है। मेरा आप लोग सब्र और तहमल से मेरी बात सुनेंगे। आंटी आप लोग अंदर आए, आखिर क्या बात है, हम बैठ के बात कर लेते हैं। सही बात है, माफ करो, हम तुम्हारी अमानत की हिफाजत नहीं कर सके। ऐसे कैसे जा सकती है वो? आंटी आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा, वो जहां कहीं होगी मैं उसे ढूंढ के लेकर आऊंगा। होश से काम लो सुहेब, शायद तुमने पूरी बात ठीक से नहीं सुनी। वो बिला वजह घर से नहीं भागी, वो किसी लड़के के साथ गई है, और अब अगर तुम उसे ढूंढ कर ले भी आओगे, किसी सूरत भी मैं उस बेशरम बेहया लड़की का निकाह तुम्हारे साथ पढ़ाने वाली नहीं हूं। किसी और के साथ? किसी और के साथ कैसे भाग सकती है वो? ये रिश्ता उसने अपनी खुशी और रजामंदी के साथ जोड़ा था। नहीं आंटी मैं नहीं मानता, वो किसी और वजह से गई होगी, वो मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती। बेटा बात दर्द है मगर यही हकीकत, जाते हुए वो एक खत छोड़ गई थी। तुम उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, अब हमें ये सोचना है कि हमें ये मसला हल कैसे करना है। कैसा हल? यही कि हम लोगों का सामना कैसे करेंगे, उनके सवालों का जवाब क्या देंगे? आप लोगों ने तो हमें लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। आपको पता है कितने मेहमान आए हुए हैं, कहां कहां से आए हैं, क्या जवाब देंगे हम उन्हें? मेरे ख्याल में हमें अभी यहां से चले जाना चाहिए।
जोहेब क्या कर रहे हो? जोहेब खुद को संभालो। ऐसा कैसे कर सकती है वो मेरे साथ? आखिर उसने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? उसको क्या मैं ही मिला था? मेरा बच्चा, खुद को संभालो मेरा बच्चा। माँ खुदा की कसम, अगर वो एक बार भी मेरे सामने आ जाए मैं उसे शूट कर दूंगा। मेरा बच्चा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। जोहेब खुद को संभालो बेटा, खुद को संभालो। जोहेब बेटा, बेटा ये रोने का वक्त नहीं है बेटा। जोहेब ये रोने का वक्त नहीं, गुस्सा करने का भी वक्त नहीं बेटा। ये माँ खुदा की कसम, वो एक बार मेरे सामने आ जाए मैं उसको शूट कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। ड्रिप लगा दी है ना मैंने, 2 घंटे बाद आकर उतार दूंगी। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, गहरा सदमा पहुंचने की वजह से इनकी ये हालत हुई है। वैसे कोशिश कीजिएगा कि कोई स्ट्रेस ना पहुंचे इन्हें। डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन वगैरह? ये मैं कुछ टैबलेट लिख के दे रही हूँ इनको, या आप एक टैबलेट इनको रोजाना रात में सोते वक्त खिला दीजिएगा। जी बेहतर, शुक्रिया। आई ड्राइवर को बोलो डॉक्टर साहब को छोड़ कर आ जाए जी। और साथ में दवाइयां भी लेती आ जाए। बेटा ये वक्त इस वक्त गुस्सा करने का और रोने का नहीं है। इस वक्त तो हमें ये सोचना होगा कि हम क्या करें। मां मैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और तुम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाओगी? इसीलिए कहती थी तुमसे ये लड़की इमैच्योर है, ये इस लायक नहीं है। लेकिन तुमने कभी मेरी बात सुनी? तुम सुनते हो मेरी बात? ओह गॉड सेक मां, अब इन फजूल बातों का वक्त नहीं है, कुछ सोचो। तो फिर ठीक है, तुम ये मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं इस मसले को मैं सुलझाऊंगी इस मसले को। लेकिन जैसा मैं कहूंगी वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगी, तुम क्या करने वाली हो? तुम्हारा निकाह होगा। किससे? आज ही होगा, जरूर होगा। सोफिया से नहीं, सोफिया से। What? क्या कह रही हो तुम मॉम? हाँ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं खानदान वालों के सामने अपना तमाशा नहीं बना सकती। तुम्हारे मरहूम बाप का नाम है, इज्जत है सोसाइटी में, हम उनकी इज्जत दांव पे नहीं लगा सकते बेटा। ऐसा नहीं करो, जल्दबाजी के फैसले ठीक नहीं होते मॉम, मत करो ऐसा। तुम जल्दबाजी का फैसला तो तुमने किया था, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। अब तुम इस मामले में नहीं बोलोगे। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारे लिए जो फैसला करूंगी तुम्हारे भले के लिए करूंगी। अब तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। पर खंदा तौसीफ को समझाओ, वक्त निकलता जा रहा, मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, जीते जी मर जाऊंगी। जूबी को कहीं से भी ढूंढ के लाओ फौरन, खुदा के वास्ते मेरी बात समझने की कोशिश कर। फरकंदा तुम बाहर जाओ मेहमानों के पास, उन्हें कुछ भी कहो, कुछ भी संभालो, जाके बोलो बस तकरीब जो है मंसूख हो गई है, जाओ। हसीफ मुझसे ही सब कुछ नहीं होगा। वो लोग इतने बेवकूफ नहीं है, समझदार लोग, कोई बहाना नहीं मानेंगे। जो मैं कह रही हूँ वो करो, खुदा के वास्ते जूबी को कहीं से भी ढूंढ के लाओ, कहीं से भी ढूंढ के लाओ।
आइए भाभी, आप बैठिए। मैं बैठने नहीं आई, फैसला सुनाने आई हूँ। आप जाइए बाहर और सोफिया को अंदर मत आने दीजिएगा। ये दरवाजा बंद करें। हम बेहद शर्मिंदा हैं बहन। आपके शर्मिंदा होने से मसला हल नहीं होगा। हमें ये मसला हर हाल में हल करना होगा, वरना सारे खानदान में रुसवाई हो जाएगी हमारी। किस किस को जवाब देंगे हम, किसको क्या बताएंगे? आप ही बताइए, आपकी बेटी जब किसी और को पसंद करती थी तो उसने मेरे बेटे के जज्बात से क्यों खेला, क्यों किया उसने ये सब कुछ? बखुदा हमें इस बात का अंदाजा नहीं था। बस झूठे बहाने बनाकर अपनी बेटी के ऐबों पर पर्दा मत डालिए। उसके रंग ढंग तो मुझे पहले से ही ठीक नहीं लगते थे। जो हुआ सो हुआ। भाभी हम लोग पहले इतने परेशान हैं, आप मजीद ये सारी बातें करके हमें और अजियत ना दें। अजियत? अजियत से तो मेरा बेटा गुजर रहा है। सोफिया ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, आप देखिएगा उसकी इस बेवफाई का बदला अल्लाह उससे जरूर लेगा। खुदा के वास्ते खातिर आप नीची आवाज में बात करें, हम भी इज्जतदार लोग। बच्ची ये गलती हो गई उससे, बद्दुआ ना दे मेरी पोती को। गलती नहीं है, गुनाह है। ऐ निकाह के रोज लड़की का इस तरह घर से भाग निकलना छोटी बात नहीं है। आपके लिए छोटी बात होगी, हमारे लिए नहीं। हम खानदानी लोग हैं, लोगों को क्या जवाब देंगे हम, क्या कहेंगे, क्या बताएंगे उन्हें? इस कड़वी हकीकत को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। मेरे पास इस मसले का एक हल है। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो, ऐसे मेरा ख्याल है कि आप लोगों को कोई एतराज होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आपका हम सबका भला है। आप कहना क्या चाह रही हैं? हमें जुहेब की शादी सोफिया से करवानी होगी। इस मसले का वाहिद यही हल है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो जज्बात है वो तुम्हारे दिल में मेरे लिए नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। वो लड़का कौन था? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था। उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड से झूठे मूठे वादे किए थे और इन लोगों ने तो शादी भी करनी थी। ये लड़का दुबई भाग गया और जब मैंने यहाँ इसको देखा तो मेरे पास आके अपने दुखड़े रो रहा था, अच्छा बन रहा था। खैर मैंने तो उसे खूब सुना दिया। मिस्टर जुहेब तौफीक, मैं अपने पूरे होशो हवास में ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं आपसे शादी करूँगी। बेटा
आज पहली बार तुमसे कुछ मांगने आया हूं और मुझे पता है कि तुम इनकार नहीं करोगी। देखो, अपने घर की, अपने खानदान की इज्जत को बचा लो। मुझे रुसवाई और अतामी के इस दलदल में गिरने से बचा लो। पापा, पापा, प्लीज ऐसा मत करें। तुम जब तक हाँ नहीं बोलोगी तब तक मैं ऐसी बैठू। ऐसा मत करें बाबा, आप उठें बाबा, प्लीज आप उठें। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। इस शादी से कोई एतराज नहीं मुझे। प्लीज मेरे आगे हाथ मत जोड़ो। क्यों बच्चा? लेकिन मुझे एतराज है। मैं इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। इसी में हम सबका भला है फरखंदा। जब जुहेब और उसकी माँ को एतराज नहीं तो फिर? लेकिन मुझे एतराज है। मैं माँ हूँ इसकी। मैं बाप हूँ उसका। कैसे बाप हैं आप? एक बेटी के करतूतों पर पर्दा डालने के लिए दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। बर्बाद क्यों होगी इसकी जिंदगी? जुहेब बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का होगा लेकिन सारी जिंदगी उसके दिलो दिमाग में जुबिया छाई हुई होगी। मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी भी नहीं भूल सकता और वो भी एक बेवफा औरत की। जुबिया की बेवफाई की सारी फ्रस्ट्रेशन वो मेरी मासूम बच्ची से निकालेगा। फरखंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा तौसीफ, आप समझ क्यों नहीं रहे? एक बटा हुआ आदमी मेरी बेटी को क्या दे सकता है? मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती। मैं ये शादी कभी भी नहीं होने दूंगी, किसी हाल में भी नहीं होने दूंगी। देखो, मान जाओ मेरी बात, ऐसी कोई बात नहीं। तुम इस वक्त अपनी इज्जत और अना पे अड़ी हुई हो। जरा सोचो कैसे जी पाओगी जब लोग थूकेंगे तुम पर, उंगलियां उठेंगी हमारी तरफ। और अगर ये शादी टूट गई ना तो हम दुनिया में रुसवा हो जाएंगे, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। मान जाओ, खुदा के वास्ते मान जाओ। मामा,